नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच आईपीएल सीजन 12 का 31वां मुकाबला सोमवार रात 8 बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। शुरुआती 6 मैचों के बाद पहली जीत दर्ज करने वाली आरसीबी वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीत की लय कायम रखना चाहेगी। विराट कोहली की कप्तानी वाली आरसीबी आईपीएल के इतिहास में दूसरी ऐसी टीम है जिसे लीग के शुरुआती 6 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। बेंगलुरु से पहले दिल्ली कैपिटल्स को 2013 में शुरुआती 6 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। मौजूदा सत्र में पहली जीत दर्ज करने के बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु अब इस लय को कायम रखकर मुंबई इंडियंस के रंग में भंग डालना चाहेगी। बेंगलुरु की टीम कोहली और एबी डिविलियर्स पर काफी निर्भर है। अब उनकी नजरें मुंबई में इस करिश्माई प्रदर्शन को दोहराने पर होंगी। पंजाब को हराने के बावजूद आरसीबी अंक तालिका में सबसे नीचे है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने शनिवार को किंग्स इलेवन पंजाब को उसके घर में 8 विकेट से मात देकर इस सीजन में अपनी पहली जीत दर्ज की। पंजाब के खिलाफ मैच में बेंगलुरु के बल्लेबाजों का फॉर्म में लौटना मुंबई इंडियंस के लिए खतरे की घंटी है, खासकर विस्फोटक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स का। पंजाब के खिलाफ डिविलियर्स ने 38 गेंदों पर नाबाद 59 रन, 5 चौके और 2 छक्के जड़े। कोहली और डिविलियर्स के अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल से भी अच्छी पारी की उम्मीद हो। अच्युत नाथ, मोइन अली, मार्कस स्टोइनिस, कॉलिन डिग्रैंडो से भी उमदा प्रदर्शन की उम्मीद है। गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल 7 मैचों में 11 विकेट लेकर तीसरे नंबर पर मौजूद है। इसके अलावा डेल स्टेन के टीम से जुड़ने से आरसीबी की गेंदबाजी भी मजबूत हुई। चहल वानखेड़े स्टेडियम के धीमी पिच पर अहम गेंदबाज साबित होंगे। उन्हें हालांकि मोहम्मद सिराज, नवदीप सैनी, मोइन खान और उमेश यादव से सहयोग की उम्मीद होगी। मुंबई इंडियंस को शनिवार को राजस्थान रॉयल्स के हाथों 4 विकेट से शिकस्त मिली। रॉयल्स से हारने के बाद मुंबई की नजरें जीत की राह पर लौटने पर होगी। कप्तान रोहित शर्मा चोट से उभर कर लौटे हैं, जबकि डीकॉक ने अब तक 238 रन बना लिए। ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, किरण पोलार्ड और कुणाल पांड्या को भी लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा। मुंबई के गेंदबाज पिछले मैच में इंग्लैंड के जॉस बटलर से हुई धुनाई को भुलाकर नए सिरे से अनुशासित प्रदर्शन करना चाहेंगे। वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज अल्जारी सब के कंधे की चोट को लेकर अभी टीम प्रबंधन से कोई सूचना नहीं मिली। आपको खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।